मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा आज विराट कोहली ने। 43 बॉल पे कुछ 51 मार के गए हैं आज, 118 की स्ट्राइक रेट। आपकी इज्जत की धजिया पहले ही उड़ चुकी है। एक चौका नहीं लगा आपसे, 76 की स्ट्राइक रेट। वही जब आप खेल रहे थे पावर प्ले के अंदर तो एक छक्का मारा आपने, चार चौके मारे, 177 की स्ट्राइक रेट। तो भाई साहब ऐसा क्या हो गया था कि पावर प्ले खत्म होने के बाद आपने शटर ही डाउन कर दिया? आपने तो मतलब हमारी इज्जत की धज्जियां उड़वा दी भाई। जैसे मैंने बोला, शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहे भाई आज आपकी, जिस तरीके की बैटिंग हुई है। विराट पावर प्ले में एक तरीके से खेलते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद उनके रन ना थोड़े स्लो हो जाते हैं। आज क्या हुआ, आज कुछ ज्यादा ही स्लो हो गए। आपकी इज्जत की धजिया पहले ही उड़ चुकी है। आप बॉटम ऑफ द टेबल 10वें नंबर पे चल रहे हैं, पूरी दुनिया में हेटर्स आपको नीचे खींचने में लगे हुए हैं। अच्छी खासी आपने बैटिंग करी है इस टूर्नामेंट में, पिछले दो मैचेस में आपने 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से खेला हुआ है। आज पावर प्ले के अंदर 18 बॉलों में 32 रन थे आप, 18 बॉलों में 32 रन थे विराट कोहली। उसके बाद की गेंदें अगर मैं 18 माइनस कर ले आप इसमें से, भाई साहब आप मतलब उसके बाद आप 77 की स्ट्राइक रेट से खेलें, 19 of 25। मैं जैसे बता रहा हूं 18 बॉलों पे 32 रन थे विराट कोहली, उसके बाद 25 गेंदों में 19 रन, रन अ बॉल भी नहीं खेल पाए आप, एक चौका नहीं लगा आपसे, 76 की स्ट्राइक रेट। वही जब आप खेल रहे थे पावर प्ले के अंदर तो एक छक्का मारा आपने, चार चौके मारे, 177 की स्ट्राइक रेट। तो भाई साहब ऐसा क्या हो गया था कि पावर प्ले खत्म होने के बाद आपने शटर ही डाउन कर दिया? आपने तो मतलब हमारी इज्जत की धज्जियां उड़वा दी भाई। जैसे मैंने बोला, शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहे भाई आज आपकी, जिस तरीके की बैटिंग हुई है। और ये मैच अगर आरसीबी हारती है तो इधर उधर मत देखना भाई, एक ही आदमी जिसने हरवाया आज, उसका नाम है विराट कोहली। देखिए आपने हर मैच जिताया, हम बोलते हैं आरसीबी हमेशा हैविली डिपेंडेंट रहती है विराट कोहली के ऊपर। भाई आज तो पाटीदार भी खेल गया, आज तो फैफ भी 200 की स्ट्राइक रेट से खेल गया, आज तो कैमरन ग्रीन भी खेल गया, चलो लोमरोड दिनेश कार्तिक से नहीं हुआ, आप इतना बुरा खेले, सुप्रीम मार गए, आप इतना बुरा खेले, आपने 8 ओवर ऑलमोस्ट वेस्ट करके चले गया, उसके बावजूद आपकी टीम अगर 206 पे पहुंच रही है तो भाई अगर आप थोड़ा सा भी ढंग से, मैं ज्यादा नहीं मांग रहा यार, 200 की स्ट्राइक रेट नहीं मांग रहा, आप 150 की स्ट्राइक रेट से भी अगर खेल जाते तो भी आप 230-40 तक पहुंच जाते, जो कि बहुत अच्छा टोटल था। टोटल अभी भी डिफेंड हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स क्रिकेट, कुछ भी हो सकता है। मगर यार आप, अगेन मैं ये बोलता हूं, आप दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर हैं, सारी दुनिया आपको ही देखने आ रही है, आप पावर प्ले में 18 बॉलों पे 32 रनों, चलो ये भी मान लिया यार किसी किसी दिन नहीं होता, कभी कभी प्लेयर का दिन नहीं होता, बॉल नहीं लगती, आपकी इंटेंट ही नहीं थी शुरू में, यू वर वेरी हैप्पी टेकिंग सिंगल्स, यू वर वेरी हैप्पी नॉट चार्जिंग द बॉलर। बाद में जब तक आपने मारना शुरू करा, आप अच्छा खासा 18 में 32 खेल रहे थे, बाद में जब पावर प्ले के बाद आप अटके हो, जब आप जबरदस्ती सिंगल सिंगल कर रहे हो, उसके बाद आपसे लगी नहीं, आपने मारने की कोशिश भी करी तब भी आपसे नहीं लगी। भाई आई एम स्पीचलेस एंड इट वॉज रियली एम्बैरेसिंग इनिंग्स फ्रॉम विराट कोहली, द वे दैट ही प्लेड, नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल from the ICC cricketer of the decade, somebody who has been the man of the tournament in two ICC World Cups, T20 World Cups, 2014 and 2016, greatest player of this generation, nahi banta, must win situation for your team, aapki team to pehle hi bahar hai na, 8 mein 7 haare hue ho, ek chance hai ki har match jeetna hai, to aise jeetoge, aise jeetoge, 43 balls mein 51 runs. And now there is also a pattern emerging, by the way, that whenever Virat is scoring big runs, his strike rate is dropping in the middle overs. देखो एंड में आपने 157 की स्ट्राइक रेट कर ली, इट वॉज गुड, क्योंकि आप अकेले ही खेल रहे थे। आज क्या दिक्कत परेशानी थी भाई, आज तो रजत पाटीदार ने एक ओवर में 4 छक्के मार दिए थे, रन रेट तो आपकी 11 की हो गई थी जब आप खेल रहे थे, आपको कुशन दे दिया था, आपके ऊपर से प्रेशर हटा लिया था। मैं हमेशा बोलता हूं भाई, कोहली की स्ट्राइक रेट गिरती है, क्यों गिरती है, क्योंकि बाकी सारी विकेट जारी होती है, कोई साथ नहीं देता। ले विराट कोहली की नॉक जहां पर उन्होंने 43 गेंदों में 51 रन लगाए, वो तो बीच में रजत पाटीदार आए, उन्होंने एक ओवर में शायद बैक टू बैक 4 छक्के लगाए थे मयंक मार्कंडे को, बट पावर प्ले में विराट थे 18 डिलीवरीज 32 नॉट आउट।
और उनकी पावर प्ले के जो आखिरी छक्का उन्होंने लगाया था नटराजन को वो था, और उसके बाद जो उन्होंने गेंदे फेस करी वहां पर एक भी बाउंड्री नहीं आती है और 15 ओवर में आउट हुए। फिनिश वो करते हैं 43 गेंद 51 रन। तो सबसे पहले धीरज भाई आपसे शुरू करते हैं क्योंकि आप आरसीबी को सपोर्ट भी कर रहे हैं यहाँ पर, तो अभी भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये सपोर्ट कर रहे हैं किस तरीके से? 200 कितने रन है? 206 रन है। 206 में जीत जाओगे? 50 रन शॉर्ट है सीधा कर, कितने 50 रन शॉर्ट है, और शॉर्ट है बिकॉज ऑफ विराट कोहली। आप कह रहे हो 50 रन कम बनाए? शॉर्ट ऑफ विराट कोहली क्लियरली, क्योंकि जिस हिसाब से बैटिंग उन्होंने की है, मतलब ये विकेट में आप ये नहीं बोल सकते कि इफ बट इधर, यार रजत पाटीदार आपको एक एंड से मतलब ऐसा कर रहा है कि आप बैटिंग इधर लगे हो सिंगल इधर, यार एक बंदा सामने से चार चार छक्के मार रहा है आप उसको ही गड्ढे में डाल रहे हो। क्या बैटिंग किया विराट कोहली ने, वर्स्ट बैटिंग। विराट को भी पता जरूरी है कि बात देखो आज नहीं पता होगा विराट को भी, विराट को भी पता है उन्होंने अच्छा नहीं खेला। मैं सिंपल एक बात, खराब दिन आ जाते हैं ऐसा भी नहीं, दिन खराब दिन आ जाते हैं। क्या है आज, क्या हुआ आज, आपकी जो सिचुएशन है जिस दिक्कत से आप गुजर रहे हैं आज वो एम्पलीफाई हो गई है, ये बात हर किसी को पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, खुशी धीरज मनोज यहाँ पर बैठे सबको वहां भी देख रहे हैं कि विराट पावर प्ले में एक तरीके से खेलते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद उनके रन ना थोड़े स्लो हो जाते हैं। आज क्या हुआ, आज कुछ ज्यादा ही स्लो गए, और ऐसा कैसे हुआ? हम जो बैट कर रहे थे, हम बात कर रहे थे यहाँ पे विल जैक्स आउट हुए, यहाँ पे हर किसी को पता था कि रजत पाटीदार आएंगे वो स्पिनर्स के अगेंस्ट चांस लेंगे ही लेंगे, विराट ने वो चांस ही नहीं लिए ना, वो जो इनसाइड आउट की विराट आउट हुए विराट 15वें ओवर में, 14.5 यानी कि 15 ओवर वो खेले, छठे ओवर के बाद उनकी बाउंड्री नहीं आई, पावर प्ले के बाद 9 ओवर उनका कोई चौका नहीं है। 43 गेंद आज के डेट में कोई भी खेले ना, कोई भी खेले, साई सुदर्शन भी खेले तो कम से कम 70 रन होते हैं। देखो अब मैं आपको बताता हूं, अब कल देखो, कल ना ऋषभ पंत का लोगों ने ऋषभ पंत का भी कल मैग्निफाई किया, उन्होंने 43 बॉलों में 88 बनाए थे और उनके आई थिंक 31 बॉल में 36 थे, समथिंग लाइक दैट, लोगों ने उसको बड़ा मैग्निफाई किया, विच इज राइट ऑल्सो, बट ही कुड फिनिश एट मोर देन 200। अब विराट के माइंड में भी ये चीज रही होगी जो वो बोलते भी हैं, शायद वो अगर अभी आएंगे तो बोलेंगे भी कि वन ऑफ अस वांटेड टू प्ले टिल दी एंड ऑफ 20 ओवर्स। सी ये अब विराट को क्रिकेट तो नहीं आप सिखा सकते, उनके जैसी क्रिकेट की समझ तो आपको नहीं हो सकती, बट ये शायद ना ये अनड्यू एक्सेस बैगेज है इंडियन क्रिकेट जो T20 में अपने सिर पे वो एक बोरा लेके आप घूमते हो ना, आटे की बोरी लेके घूमते हो। पर पता है सर, अब देखो इसमें 31 बॉले पड़ी, आपने बोला ना जो बोलता है इन द एंड, अगर मैनेजमेंट का कोई बंदा बोलता है या कोच स्टाफ की तरफ से कोई बोलता है, सबसे पहले तो उस बंदे को बाहर कर देना चाहिए कि आप एंड तक खेलो। T20 क्रिकेट में एंड तक है ही नहीं यार कुछ, सर ये बोरा रहता है और आप ही बोला यार, आज मैं कह रही हूं नहीं बोलता कोई सपोर्ट स्टाफ। आप एडिलेड वर्ल्ड कप सेमीफाइनल T20 2022, क्या बाहर से विक्रम राठौर राहुल द्रविड़ ने कहा था कि आप सेट होके रन मत बनाओ? डू यू थिंक सो? नो, बड़े प्लेयर को आप नहीं कह सकते हो कि यार ऐसे करो वैसे करो, व्हेन यू आप फिर वो रेपुटेशन ऑरा वाली बात आ जाती है। अच्छा अब मनोज एक और चीज है, अब वो अगर सपोज आउट ना होते सर उसका मतलब KL राहुल के लिए भी एप्लीकेबल है फिर? तो दोस्तों जैसा कि आपने विक्रांत गुप्ता का रिएक्शन सुना, इंडियन मीडिया का रिएक्शन सुना, विराट कोहली जिसने टेस्ट यहाँ पर इनिंग्स के लिए काफी ज्यादा गुस्से का इजहार किया, क्योंकि विराट कोहली ने 51 बॉलों पर यहाँ पर 51 स्कोर किया जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर फार बैटिंग थी। दोस्तों ये थी वीडियो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट वीडियो में हाफिज।